कांग्रेस ने ही विकास किया है, मोदी ने पूरा देश बेच डाला उसने, ठेका दिया गया, इसमें भी भ्रष्टाचार पाया गया। मौका इस बारी बीजेपी को देना चाहिए, नया कुछ करेगी। इस भ्रष्टाचार सरकार को भगाओ, गहलोत को भगाओ। नमस्कार, मैं ऋचा कौशिक, आप देख रहे हैं इन भारत। इस वक्त हम राजस्थान के भरतपुर में मौजूद हैं, जहां पर राजस्थान में एक तरफ चुनावी गर्मा गर्मी बनी हुई है, वहीं पे इस वक्त हम भरतपुर के लेबर चौक पे मौजूद है। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं भरतपुर के अंदर रह के, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक देश में जनता ही जनार्दन होती है और चुनाव के बीच जनता की राय जानना बहुत जरूरी। तो जनता तो बोलेगी, मैं जानते हैं कि इनकी क्या क्या समस्याएँ हैं भरतपुर के अंदर रह के। तो आप कौन कौन सी समस्याएँ हैं जो आप अपने स्तर पर यहाँ पर फेस कर रहे हैं? सर, यहाँ तो एक रोज़गार की ज़्यादा समस्या है, क्योंकि इधर मजदूर इतना है, इनको काम धंधे नहीं मिलता है, एक दो दिन मिलता है उसके बाद नहीं मिलता है। अब इनका घर का खर्चा कैसे चले, इनके बीवी हैं, बच्चे हैं, ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये तो समस्या ये ज़्यादा है, इधर रोज़गार नहीं है बस। आपके हिसाब से कौन सी समस्याएँ हैं जो भरतपुर? भ्रष्टाचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, ये मुद्दे हमारे। ये भ्रष्टाचार सरकार को भगाओ, गहलोत को भगाओ, भ्रष्टाचारी को भगाओ। आपके आपके हिसाब से कौन कौन समस्याएं हैं भरतपुर के अंदर? भरतपुर में समस्या साफ सफाई की काफी है यहाँ पे, और कांग्रेस शासन काल में जो भी तरक्की हुई है वो तो हुई है, हर सरकार करती है, नई सरकार आती है तो कुछ बैक तो करती नहीं है। मौका इस बारी बीजेपी को देना चाहिए, नया कुछ करेगी। हर साल, मैं वैसे तो भारत का हूँ निवासी हूँ, दिल्ली में रहने वाला हूँ, महामंडलेश्वर स्वामी दीनानाथ और घोरी पीठ वृंदावन हूँ, 108 पूरे भारत में अश्व में घोड़ा लेके चल रहा हूँ। अयोध्या दिवाली मनाई, नेमी शरण मनाई, मगर यहाँ पे जब आया राजस्थान तो 25 तारीख तक रुकूंगा मैं, 25 तारीख तक मैं यहाँ राजस्थान में अलवर तक जा रहा हूँ देखने की क्या माहौल है। तो बीजेपी 100% जीत रही है, मोदी जी जय श्री राम हो रही है इनकी और होती रहेगी, जय सिया राम। कांग्रेस ने जो किया, हर सरकार करती है कुछ ना कुछ, मगर इस बारी मोदी जी को मौका मिलेगा। जैसा कि राजस्थान में हमेशा का ये रीति रही है राजस्थान में कि रोटी को जलने नहीं देते, पलट देते, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो आपको क्या लगता है इस बार वही प्रथा निभाई जाएगी? देखो, मोदी के नाम से वोट पड़ रही है, सिर्फ मोदी के नाम से, देश सुरक्षित के लिए, देश सुरक्षा के लिए, प्रथम राष्ट्र सुरक्षा मोदी के नाम से, राष्ट्र सुरक्षा बस, और किसी के नाम नहीं। अब बताइए आपके साथ कौन सी समस्याएं हैं जो यहाँ पे आप फेस कर रहे हैं? और यहाँ एक तो क्या है कि पेपर लीक हुए, उनसे क्या है कि जो हमारे थे युवा, उनका मनोबल भी डाउन होता है, अब उससे बहुत भ्रष्टाचार हुए, जैसे हमारे ये था नगर परिषद में ठेका दिया गया, इसमें भी भ्रष्टाचार पाया गया, इसमें कि कांग्रेस सरकार में इतने भ्रष्टाचार हुए हैं कि आम जनता बिल्कुल इससे बहुत परेशान है। आपको क्या लगता है क्या समस्याएं हैं यहाँ की बात करते हो? मोदी ने पूरा देश बेच डाला, उसने सभी जो इंडिया गेट है वो बेच दिया, सभी चीज़ को ठेके में दे रहे हैं ये, और मोदी के, हाँ ठीक है मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो राज्य सरकार केंद्र में कर रही है, यहाँ तो राज्य सरकार अलग कर रही है ना, तो राज्य सरकार कर रही है कांग्रेस कर रही है, बीजेपी ने क्या किया है? यहाँ तो सरकार बदलती रहती है, पाँच साल किसी की, तो इसमें क्या बात है? मोदी को जो नहीं, मोदी वहाँ के काम कर रहे हैं, मोदी को वोट पड़ते हैं, ठीक है मोदी को वोट देते हैं, मगर कांग्रेस को राज्य में तो कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस को ही आना चाहिए, हमारा कांग्रेस का है तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। क्या कह रहे थे? मोदी जी को जाना चाहिए और कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस ने विकास किया है, फैक्ट्री कांग्रेस ने हिंदुस्तान में पूरे में कांग्रेस ने लगाई है, ये पार्टी बीजेपी कभी कहीं भी उद्योग नहीं लगाया है। बीजेपी सरकार नहीं आनी चाहिए, कोई भी आए, कांग्रेस आया, मायावती आ जाए, अखिलेश आ जाए, कोई भी आ जाए, कांग्रेस ने अच्छा काम किया है और कांग्रेस ही आनी चाहिए, बीजेपी की लहर है, कांग्रेस आएगी। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे जनता की राय जानी, जनता तो बोलेगी, मैं जनता ने अपनी आवाज उठाई, भरतपुर की जनता को बहुत सारी समस्याएं हैं और यहाँ पे कोई बीजेपी सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता है। तो देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए बने रहे भारत के साथ। अब तक कैमरामैन संजय पांडे के साथ ऋचा कौशिक की रिपोर्ट, भरतपुर, राजस्थान।